नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो जिस प्रश्न की हम यहाँ बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है कि एक साहूकार 15,000 का ऋण 3 किसानों ए बी सी को क्रमशः 3:5:7 के अनुपात में देता है। ये तीनों किसान क्रमशः 10%, 20% और 30% का वार्षिक ब्याज साहूकार को देते हैं। वर्ष के अंत में किसानों द्वारा दिए गए ब्याज का योग ज्ञात कीजिए। यानी एक साहूकार है जो कि ऋण देता है और उसने कुल कितने का ऋण दिया, 15,000 रुपये का ऋण दिया। वो किसको दिया, तीन किसान हैं ए बी और सी। तो इनको एक रेशियो के रूप में दिया। रेशियो क्या है, 3:5:7। यानी 15,000 राशि को 3 अनुपात में उसने डिवाइड किया। अनुपात कौन कौन से हैं, 3, 5 और 7। तो ए की राशि कितनी हो गई, ए की 3x हो गई, बी की 5x हो गई और सी की 7x हो गई। 7 और 5, 12 और 3, 15 है। टोटल 15x है और राशि 15,000 है। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1,000 रुपये। ठीक है, तो a को कितने रुपए उधार दिए, 3x है तो 3,000, b को 5x थे तो 5,000 और c के 7x थे तो 7,000। ठीक है, हमने राशि निकाल ली, a को 3,000 रुपये उधार दिए, b को 5,000 और c को 7,000। अब उसने कहा ये तीनों किसान क्रमशः 10%, 20% और 30% का वार्षिक ब्याज साहूकार को देते हैं। तो वर्ष के अंत में किसानों द्वारा दिए गए ब्याज का योग ज्ञात कीजिए। अब हम तीनों किसानों के ब्याज का योग निकालेंगे। पहले किसान को राशि कितनी दी उसने, 3,000 रुपये। ठीक है, ब्याज कितना है, 10% और समय है 1/100 प्लस। दूसरे किसान को उसने 5,000 रुपये उधार दिए, तो हम 5,000 यहां लिखेंगे। रेट दिया 20% का, समय है 1/100। और तीसरे किसान को 7,000 रुपये उधार दिए, तो 7,000 लिखेंगे। 30% का रेट है, 1/100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, यहां 2 जीरो कट हो जाएंगे तो यहां से बचेगा 300, यहां 2 जीरो कट हो जाएंगे तो 5 × 10, यहां से बचेगा 1,000 और यहां 2 जीरो कट हो जाएंगे तो 7×3 = 21, तो यहां से बचेगा 2100। 21 और 10 = 31 और 3 = 34, यानी कुल ब्याज कितना मिलेगा उसको, 3400 रुपये साहूकार को ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो आपने देखा पहले हमने तीनों किसानों की राशि निकाली और तीनों किसानों का ब्याज निकाल के जोड़ दिया, तो 3400 रुपये टोटल ब्याज आया। और ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।